फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 जो और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने नंबर सिस्टम्स में रैशनल नंबर इरेशनल नंबर पर डिस्कशन किया था, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन पर डिस्कशन किया है कि उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस ईच हैज़। तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको बताना है कि ये नंबर्स जो हैं वो कैसे हैं, जो डेसिमल नंबर्स हैं 36/100 है फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन है आपका 36/100 है, तो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन दिस इज, ये किस तरीके का डेसिमल एक्सप्रेशन है। जैसे 36/100 है, आप मान लीजिए 36/100 है, तो ये 36/100 में आपने देखा होगा ये 002 है, तो अगर मैं 36 को इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ये 0.36, ये डेसिमल जो है यहाँ पर सरक के आ जाएगा, क्योंकि दो जीरो है तो दो जीरो हैं तो दो प्लेस के बाद इधर से गिनेंगे 1, 2 के बाद एक डेसिमल लग जाएगा। और अगर कोई दूसरा केस ले लें, अगर यहाँ पे 3/100 होगा तो 3/100 होगा तो फिर ऐसा लिखिएगा आप 0. यहाँ पर क्या है, इसके बाद लगाएंगे तो एक ही डिजिट होगा, लेकिन हमको दो के बाद लगाना है तो एक आप जीरो लिख दें तो ऐसा हो जाएगा 0.03। एक और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास लिखा हुआ 21/10,000 तो आप ऐसा लिख दीजिएगा इसको, हमारे पास तीन जीरो है और नंबर्स कितने हैं हमारे पास, दो हैं, तो ऐसा हो जाएगा 0.021। और अगर आपके पास नंबर है ऐसा मान लीजिए कि 3.12 है और डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास 10 है, तो क्या होगा, फिर डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.312। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है अपना, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है, डेसिमल में इसका एक्सपांशन है 0.36, नॉन रिपीटिंग, आप ध्यान से समझें, नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग है। तो ये कैसा मान लें इसको कि टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो जाता है। अब आप अगला केस देखें, आप ये सारे एग्जांपल्स भी अच्छे से समझते रहेंगे तो आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जो 1/11 है, तो 1/11 को इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो 1/11 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/11, 11 से डिवाइड करें, 11 से 1 डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल जब लगाओगे तो आप यहाँ पे एक जीरो इंट्रोड्यूस कर दें, एक जीरो इंट्रोड्यूस किया आपने, ये जीरो तो चाहे तो एक और जीरो लगा दें आप, कोई इसमें फर्क नहीं होता है, ठीक है, एक और जीरो भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं, एक और जीरो लगा दें तो कोई फर्क नहीं, बस यह नंबर आप नहीं लिखेंगे नॉन जीरो, 1, 2, 3 मन से नहीं लिख सकते, तो एक जीरो लगा दें या दो लगा दें कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आपने एक डेसिमल लगाया तो यहाँ एक जीरो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एक जीरो से ज़्यादा नहीं। अब 11 से डिवाइड करो, आप 11 से 10 को डिवाइड करो, इज इट डिविजिबल, स्टिल इट इज़ नॉट डिविजिबल, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर एक जीरो और चाहिए आपको, तो एक जीरो के लिए फिर आपको एक जीरो और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक जीरो और इंट्रोड्यूस किया, अब आप डिवाइड कर दें तो 11 9 कितना हो गया आपका 99 हो गया। अब 100 में से 99 गए तो आपके कितने बचेंगे, 100 में से 99 गए तो आपके पास फिर 1 बचेगा, फिर 1 डिविजिबल है क्या आपका, फिर 1 डिविजिबल नहीं है, तो 1 जब डिविजिबल नहीं, देखो 1 आ गया, अब आप एक जीरो आपके पास जब आप जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे रिमाइंडर आएगा 1, एक जीरो ऑटोमेटिकली आएगा डेसिमल के बाद हर बार आएगा, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो 10 है ये डिविजिबल है क्या 11 से, ये डिविजिबल नहीं है, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो फिर एक जीरो लगाना पड़ेगा आपको, एक जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ पे, फिर क्या कर देंगे आप 11 9 जा, अब क्या करें आप,
फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वन। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि एक जीरो आप अपने पास ऑटोमेटिकली आएगा, डेसिमल के बाद हर बार ऐसा होता है। जब एक बार डेसिमल लग जाता है और डेसिमल जब लग जाता है उसके बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं रिमाइंडर बचता है तो एक जीरो अपने आप ऑटोमेटिकली कैरी हो जाता है। तो एक जीरो कैरी हो गया अपने आप, पर अब ये डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने देखा नहीं, नाइन लिखा नहीं, अब ये देखिए फिर एक जीरो लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, इलेवन नाइन जा। तो ये इस तरीके से नंबर चलता रहेगा आपका। तो क्या हो जाएगा ये, पॉइंट जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन अप टू इन्फिनिटी। तो ये नंबर कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, और जीरो नाइन लगातार लगातार आ रहा है तो जीरो नाइन पे बार लगा दो और ऐसा लिख देते एनटी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब आप थर्ड एग्जांपल, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखें और समझते हैं हम इसको, तो और क्लैरिटी आएगी आपको। थर्ड है आपका फोर, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फोर एंड वन बाय एट मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फोर एंड वन बाय एट, फोर एंड वन बाय एट। तो फोर एंड वन बाय एट है तो फोर को तो आप रहने दें, केवल इसको डिवाइड कर दें तो भी चलेगा आपका। और अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें, एट फोर जा कितना लिख देंगे, थर्टी टू प्लस वन थर्टी थ्री, थर्टी थ्री बाय एट। और 33 बाय 8 को आप डिवाइड करना चालू करें तो लो देखते हैं 33 बाय 8 को कैसे डिवाइड हो जाता है। 33 डिवाइडेड बाय 8, 8 फोर जा 32, यहाँ 32 आ गया, रिमाइंडर बचेगा 1। अब 1 डिविजिबल नहीं है, तो डिविजिबल नहीं है तो क्या लगाएंगे आप, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे। अब 8 से डिवाइड कर दें, 8 टू जा सॉरी 8 वन जा कितना हो जाएगा आपका 8, और 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। फिर मैंने कहा था आपको कि जब डेसिमल एक बार लग जाए तो एक जीरो आप ऑटोमेटिकली सॉरी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब रिमाइंडर आएगा उसमें ऑटोमेटिकली कैरी होता जाएगा, तो एक जीरो इसमें लग जाएगा। 8 टू जा कितना हो जाएगा 16, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, एक जीरो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा आपका, 8 फोर जा 32 और 8 फाइव जा 50, 8 5 40। तो ये आपका आ गया, तो आपका नंबर आ गया 4 माइनस 4.125। तो इसका रिजल्ट आया आपके पास दोस्तों 4.125। कैसा है नंबर, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो आपने देखा ये नंबर टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से 3/13 है, 3/13 3/13 में भी आप देखेंगे फोर्थ है, 3/13 में भी देखिए कि ये किस तरीके का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। तो ध्यान से देखो आप 3/13 को डिवाइड कर दो, 3 को 13 से डिवाइड कर दिया आपने, 3 डिविजिबल है क्या? नहीं। तो एक क्या करेंगे आप, डेसिमल लगाएंगे, 0-1 लगा सकते हैं आप इधर, चाहे जितने जीरो लगाना हो आप लगा सकते हैं। अब एक डेसिमल लगाया तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, 13 टू जा कितना हो गया आपका 26, माइनस किया 4 आ गया आपके पास। अब 4 में से आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ये आपको हर बार परमिशन है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर में एक जीरो आप कैरी कर सकते हैं। 13 3 39 कितना आ गया आपके पास 1। अब 1 के बाद क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा दें, लेकिन अब 1 के बाद एक जीरो बढ़ा दिया, अगर 13 इसको डिवाइड करता है क्या? नहीं करता, तो एक जीरो और चाहिए। तो अब इस जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप 13 का टेबल पढ़े कि 100 से ज़्यादा नहीं हो, तो 13 7 जा कितना आ गया आपके पास 91 आ गया, और इसको इससे माइनस किया तो आपके पास रिमाइंडर कितना आया 9 आ गया। अब 9 को एक आपके पास क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा सकते हैं आप। तो 13 का फिर टेबल आपको पढ़ना है कि 90 से ज़्यादा ना हो, तो 13 7 जा
13 सिक्स जा सॉरी 78। अब आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, अब आपके पास रिमाइंडर आ गया 12। तो 12 आ गया तो एक जीरो आप फिर बढ़ा सकते हो, एक जीरो आपको बढ़ाने की परमिशन है। तो अब 13 का टेबल आपको पढ़ना है कि 120 से ज़्यादा नहीं हो, तो 13 नहीं, 13 नाइन जा कितना होगा आपके पास 117। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 जैसे ही आया आपके पास। तो 3 से फिर वही सिचुएशन बनने लगेगी, क्या बनने लगेगी 3 से वही सिचुएशन, फिर आप एक जीरो इंट्रोड्यूस करोगे, फिर अगली बार टेबल पढ़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, फिर वही 26, फिर वही 40, फिर वैसा कि वैसा प्रोसेस चलेगा। तो आने वाले टाइम में ऐसा प्रोसेस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा इसका 0.230769। फिर आप देखो यहाँ पे जीरो आप मन से लिख सकते हो, तो यहाँ के जैसे ही आ गया तो फिर यही नंबर वापस से रिपीट होने लगेंगे 230769 एंड सो ऑन। तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको, ये रिपीटिंग है, ये कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो ये ऐसा लिख सकते हैं आप इसको 0.230769 और इसके ऊपर क्या लगा दें आप, बार लगा दें। बार लगाने का मतलब है कि वो नंबर बार बार आएगा, 230769 के बाद फिर 230769 आएगा, फिर 230769 आएगा, कब तक आएगा, तो वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आएगा। तो ये देखा आपने कि ये कैसा नंबर है आपका 3/13, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। इसी तरीके से आप 2/11 और 329/400 भी देखिएगा। तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ट्राई करेंगे और आप ट्राई कर लेंगे। तो एक और भी इसकी वो है, टेस्ट है, मैं आपको एक आइडिया से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये 2/11 है, डिवाइड जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर है क्या, तो ये देखो आप, ये कैसा नंबर है आपका, ये प्राइम नंबर है। और क्या प्राइम नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है क्या, इस तरीके का प्राइम नंबर प्राइम है और ऑड है, प्राइम हो और ऑड हो और कम्प्लीटली अगर डिवाइड नहीं करता तो इसकी संभावना ज़्यादा तो कैसी बनेगी, इसकी संभावना ज़्यादा बनेगी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की बनेगी। सिक्स वाला कैसा है, तो सिक्स वाला देखो आप, सिक्स वाला है आपके पास 329/400 है, 400 है, 400 कैसा नंबर है आपका, 400 आपका एक तो प्राइम नंबर नहीं है और प्राइम में भी ऑड नहीं है इसका फैक्टर। जैसे इसके फैक्टर देखो, मैं आपको फैक्टर भी बताता हूँ, 329 और इसको क्या लिख सकते हैं आप 400, तो 400 लिखा आपने, तो अब 100 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कैसा हो जाएगा, पहले 3.29/4। अब आप इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 से जब डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 में दो चीज़ें, क्या चीज़ें, दोनों मैं बता देता हूँ, 3.29 है और 4 के अंदर क्या चीज़ है, 2×2 है, तो 2 से कोई भी नंबर टर्मिनेट हो जाता है, याद रखो आप, 2 से कोई भी नंबर टर्मिनेट हो जाता है। जो नंबर टर्मिनेट कर देते हैं वो कौन कौन से टर्मिनेट कर देते हैं, 2 कर देता है टर्मिनेट, 4 कर देता है टर्मिनेट, 8 कर देता है टर्मिनेट, 16 कर देता है टर्मिनेट, टर्मिनेट कौन कर नहीं पाता है, जो 3 है टर्मिनेट मुश्किल से कर पाता है। अगर ऊपर 3 का फैक्टर है, जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है 12/30 लिखा है, तो टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि 3 पहले काट देगा इसको, जब 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3×4=12 और यहाँ पे 10 आ गया, तो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये कटा नहीं, ऊपर नीचे से कैंसिल नहीं हुआ, 3 कैंसिल नहीं हुआ, तो फिर टर्मिनेट आपका नंबर नहीं होगा, टर्मिनेट 7 नहीं कर पाएगा आपका नंबर, टर्मिनेट आपका नंबर 11 नहीं कर पाएगा, टर्मिनेट आपका 13 नहीं कर पाएगा। प्राइम टाइप के नंबर, दो भी प्राइम है पर दो सबको टर्मिनेट कर देता है। ऑड 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है पर 5 भी सबको टर्मिनेट कर देता है, ये सबको टर्मिनेट कर देते हैं नंबर्स। लेकिन टर्मिनेट कौन कौन नहीं कर पाते हैं, इस तरीके के जो प्राइम है, 2 है, 7 है, 11 है, 13 है, और ले लो आप 17 ले लो,
और ले लो आप 19 ले लो, 23 ले लो, ये नंबर्स ऐसे हैं जो नंबर्स जो आप डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। पर एक और बात है कि फिर उनका ये फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये फैक्टर होगा इनमें से कोई भी, तब फिर टर्मिनेट। देखो देखो आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 15 है और डिवाइड किससे कर दिया हमने, 12 से कर दिया। तो 15 में देखो 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 4 है, तो 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये इसको टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अगर आपका नंबर ऐसा हो 7 हो, अपॉन में कैसा हो 3 हो, अब इसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है नहीं एक्सेप्ट 1, क्योंकि 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, तो 1 तो कॉमन सब में ही रहता है और अदरवाइज कुछ कॉमन नहीं है। तो फिर ये कैसा नंबर हो जाएगा आपका, ये नंबर हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसा नंबर बन जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। अगर आपका नंबर देखो, और मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपने 11 बाय लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, इसमें से 11 बाय 13 लिख लिया, तो कैसा नंबर बन जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। आपने कोई नंबर लिख लिया, मान लो आपने लिख लिया 2 बाय 12 है आपका नंबर, तो 2 बाय 12 है तो 2 को काट दो इससे, तो कितना हो जाएगा, 1 बाय 6 हो जाएगा। 1 बाय 6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3, तो 2 तो टर्मिनेट कर देता, पर उसके साथ में 3 भी है, तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, पर कैसा नंबर हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। आपको सबसे मज़ेदार बात बताता हूँ 22/7 की। 22/7 को क्या बोलते हैं हम, 22/7 को पाई बोलते हैं। ये कैसा है, ये 22/7 कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग वैल्यू है। लेकिन पाई कैसा नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है। तो पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो पाई इरेशनल नंबर है, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। आप इसको चेक कर लेना, फैक्ट चेक में आप जाओ और आप फैक्ट चेक में देखोगे कि 22/7 तो टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है, रिपीटिंग है। और इरेशनल कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बावजूद इसको पाई की वैल्यू लेते हैं। तो पाई की ये जो वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, कौन सी वाली, 22/7। जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो पूरी वैल्यू कोई निकाल ही नहीं पाता है, क्योंकि वो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो इनफाइनाइट तक अलग 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 होती जाती है। पर ये 22/7 आप निकाल के चेक कर सकते हो फैक्ट चेक में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, मैंने काफ़ी टाइम लिया, पर होप कि आपको बात क्लियर होगी। अगर आपको कोई डाउट होगा या कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे को मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी नंबर दिया था, मैं आपको फिर नंबर दे देता हूँ, फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। 9685698056। अब ध्यान से सुनिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा है, सेकंड क्वेश्चन, कि वी आर गिवन, क्या गिवन है आपको, 1/7 का वैल्यू 0.142857 इस तरीके का है आपका, और इसके ऊपर बार लगाए, इसका मतलब आपका नंबर कैसा है, 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर 1 4 2 5 1 4 2 8 1 4 2 8 5 7 फिर 1 4 2 8 5 7, ऐसा कब तक होता जाएगा, तो ऐसा इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स होता जाएगा। तो इसके बेसिस पे वो चाह रहे हैं कि आप प्रेडिक्ट करके ये बताओ कि 2/7 क्या होगा, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, 2/7, 3/7, तो 2/7, 2/7 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 1/7, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7 होगा तो क्या कर देंगे हम, 3 इंटू 1/7। तो आप जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा आपका, 2 7 जा 14 हो जाएगा, और 1 कैरी कर देंगे इधर, 2 5 जा 10, 10 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 11, 11 का 1 कैरी हो गया, ये 2 8 जा कितना, 16, 16 में 1 ऐड किया 17, फिर एक कैरी हो गया 1,
फिर कितना, टू टू जा फोर, फोर में ऐड किया तो कितना हो गया फाइव, टू फोर जा कितना होगा एट, टू वन जा कितना होगा टू, तो ये आपका आ जाएगा। और इसके भी ऊपर क्या लग जाएगा दोस्तों, बार लग जाएगा। अब थ्री बाय सेवन है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो थ्री सेवन जा कितना होगा आपका, थ्री सेवन जा यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्वेंटी वन, वन थ्री फाइव जा कितना टेन, और टू कैरी जो किया था वो ट्वेल्व, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर, और वो जो वन कैरी किया था ट्वेंटी फाइव, फिर टू आ गया आपके पास, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में टू जोड़े तो एट, थ्री फोर जा कितना हो गया आपके पास ट्वेल्व, ट्वेल्व टू और वन कैरी हो गया, थ्री वन जा थ्री, वो इसमें जुड़ गया, तो ये आ जाएगा आपका। इस तरीके से थ्री बाय सेवन, फोर बाय सेवन, फाइव बाय सेवन और सिक्स बाय सेवन भी निकाल सकते हो आप। फोर बाय सेवन, फाइव बाय सेवन, सिक्स बाय सेवन भी आप निकाल सकते हो। मैंने ये आपके लिए छोड़ दिए कि आप इसमें निकाल लें कि कैसे कैसे किसको किसको करना है, और ये सारे केसेस जैसे मैंने किए वैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर टू आ जाएगा। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्रेस इन पी बाय क्यू फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी बाय क्यू फॉर्म। तो पी बाय क्यू फॉर्म के मैं और भी एग्जांपल्स लूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हमें केवल ये एक्सरसाइज नहीं करना होती है, हम इसके थ्रू में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, देखते रहें कि 0.6 बार का क्या मीनिंग है। 0.6 बार का मीनिंग है 6, 0.666 अप टू इन्फिनिटी। तो बस आप डैश डैश लगा दो, और इस प्रॉब्लम को क्या मान लो, इस प्रॉब्लम को आप एक्स मान लो। अब ध्यान से देखो, यहाँ बार कितने नंबर पे था, बार कितने नंबर पे, एक ही नंबर पे बार है। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, अगर दो पे होता तो 100 से करते, तीन पे होता तो फिर किससे करते, 1000 से करते, और देखेंगे आप समझ में आएगा 10x। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपका पॉइंट है ये सरक जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, तो ये आपका नंबर बन जाएगा 6.666 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0.666 अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बन गया आपका दोस्तों, ये भी तो वही हो गया, क्या बन गया 6 बार, तो 0.6 बार बन गया। 0.6 बार देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है 0.6 बार, इसको नंबर दे दो आप चाहो तो। तो ये यहाँ पे लिख दो 6 प्लस 0.6 बार एक्स, 10x, आप x को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, 10x माइनस एक्स 9x, 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9, 6/9 को कैलकुलेट कर लो, तो ये कैंसिल कर दोगे 2 से 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2/3 आपका आंसर आ गया पहले फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट है, आपको दो एक दो एग्जांपल और दूंगा मैं, आप चिंता बिल्कुल नहीं करें, बस मेरे साथ में बने रहें। ये लिखा है 0.47 बार। अब यहाँ भी देखो आप, एक ही नंबर पे बार है, तो पहले तो इसका मैं एक्चुअल मीनिंग लिख देता हूँ तो आपको क्लियर रहेगा, 777 अप टू इन्फिनिटी, ये तो जाते ही जाएंगे। तो ये जब आप इसको x लिख दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x, 10x कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.777 अप टू इन्फिनिटी। इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, इसको ध्यान से देखो आप, इस 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 4.77 को, तो आप इसको लिख सकते हो 4.7 बार, क्या लिख सकते हो आप 4.7 बार। अब आप देखिए ये 10x है, अब इसमें से आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, इनमें से इसको माइनस भी कर सकते हैं, तो माइनस करने के लिए मैं ऐसे ही लिख रहने देता हूँ अभी आपको, आप ऐसे लिखो 77 ही लिखे रहने दो ताकि आपको पिक्चर और क्लियर हो जाए। ये नंबर आप दे दो 1, ये नंबर आप दे दो 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 में क्या हो जाएगा ये 10x माइनस एक्स, इसमें भी माइनस कर सकते हैं आप 2 माइनस 1, इसको 2 मान लें,
किस वाले को, इसको 2 मान लें और 2 में से 1 माइनस कर दें, 10x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 4.777 अप टू इन्फिनिटी। और आप ये माइनस करने वाले इसमें से, ये यानी ये वैल्यू माइनस करने वाले हैं, तो क्या माइनस करने वाले हैं आप, ये माइनस करने वाले हैं 0. तो यहाँ लिखा 0.477, आगे तो 7 है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, आगे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे में प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स 9x, 4 माइनस 0 4, और 7 में से 4, ये बाकी तो सब 0 0 हो गए क्योंकि सब इक्वल है, 7 में से 4 गया तो कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दो। फिर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता दूंगा इसकी, तो आपको एक ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। तो 9 से डिवाइड कर दो अब आप इसको, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 9.3/4, और ये पॉइंट हटाना है डेसिमल, तो डेसिमल आप हटाओगे तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, सॉरी ये यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे 4.3, उल्टा लिख दिया 4.3 डिवाइडेड बाय 9, और आप एक डेसिमल हटा दो तो ये 43 हो जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो 90, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका। अब वो ट्रिक क्या है मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ, कि अगर आपका नंबर इस तरीके का है 0.a बार तो आपका आंसर होगा a बाय 9, 0.ab, ab के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार होगा तो हो जाएगा ab बाय 99। अगर आपके पास ऐसा होगा 0.1 में नहीं है, दूसरे पे है, एक को छोड़ के दूसरे पे, तो फिर इस तरीके का आंसर ये वाला आएगा जो अभी लिखा था आपका, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है, तो इसको आप एक काम करें 0.ab बार को ऐसा लिख दें जैसा मैं बोल रहा हूँ, 0.a लिख दें और 0.0b बार, ये है आपका 0.ab बार। तो 0.a कितना था आपके पास, ये वाला देखो आप, 0.a कितना था, तो आपके पास नंबर था 0.4, क्या था नंबर आपका 0.47, तो आप इसको लिख सकते थे 0.4 प्लस 0.07 बार। तो 7 बार वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा आपका, ये इसको लिख दीजिए 4/10, और 0.07 बार इसका वैल्यू इस तरीके का आता है, क्या आता है आपका, इस तरीके का वैल्यू आता है 90। किस तरीके का, फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको मैं, अगर आपके पास नंबर ऐसा है 0.0a बार, तो इसकी a के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, a के लिए आपके पास आ जाएगा 9, और इस 0 के लिए आपके पास आ जाएगा 0। और अगर नंबर ऐसा हो 0.0ab बार हो, तो ये आ जाएगा आपके पास ab, a और b के लिए आपके पास 99, और इस 0 के लिए भी एक 0 आ जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। तो ये वाला भी एक मोड है लगाने का। एक और मैं ट्रिक आपको, ट्रिक कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बता देता हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आप अप्लाई कर सकेंगे। देखो जैसे आपके पास लिखा है 0.234 पे बार, तो आप ऐसा लिखना है इसको 0.23 0.004 बार, तो ये तो हो जाएगा आपका जो भी होना है, कितना है 23/100। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 4, इस 4 के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा, और इन दोनों 0 के अगेंस्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। एक और मैं आपको सिखा देता हूँ, 0. कभी आपके पास लिखा हो 0 और यहाँ पे लिखा है 235 के ऊपर बार, तो 235 के ऊपर बार लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 235 पे बार है तो 999 आएंगे, जितने पे ऊपर बार है उतने पे 9 आएंगे, तो 3 9 आएंगे, और एक 0 है तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। कभी ऐसा लिखा होगा 0.673 बार, तो ट्रिक नहीं लगेगी, ट्रिक लगाने के लिए आपको पहले ऐसा लिखना पड़ेगा 0.673 बार, तो 0.6 को तो कैलकुलेट कर लीजिए आप, 6/10,
यहां पे लिख दो आप 73 डिवाइडेड बाय, तो 73 पे 12 है तो यहां पे आ जाएगा 99, और एक जीरो है तो यहां पे आ जाएगा एक जीरो एडिशनल। और कभी आपका नंबर ऐसा हो, मैं आपको थर्ड केस भी बताता हूं, आपका बुक का थर्ड क्वेश्चन कैसा लिखा है। थर्ड, अब थर्ड लिखा हुआ है आपके पास 0.001 बार। अब 0.001 बार में पूरे पे बार है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर अगर लिखना हो तो ये डायरेक्ट है इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर फिर इसका ऐसा आएगा 001 अपॉन, पूरे पे बार है तो फिर 999 आएगा, कितना आएगा 999, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 999। तो ये आपने देखे कि अपने शॉर्टकट्स भी आपको आना चाहिए, लेकिन अभी मैं इसको उस मेथड से भी करके दिखाता हूँ जो आपके स्कूल में रिकॉग्नाइज होगी। तो 0.001 बार को क्या लिख सकते हो आप, x मान लो, फिर इसको लिख पाओगे आप 0.001 001 001 001 अप टू इन्फिनिटी। फिर क्या करोगे, 3 पे 12 है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 पे होता 10 से, 2 पे 100, 3 पे 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें देखो आप कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो हैं तो डेसिमल 3 प्लेस तक सरकेगा, 1, 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो ये आपका नंबर हो जाएगा 1.001 001 001 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। फिर आप एक काम करो, इसको 2 नंबर दो और इसको 1 नंबर दो, इक्वेशन को किसको 2 और किसको 1 देना है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पहली वाली इक्वेशन, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो, 2, तो 2 माइनस 1 आपका आंसर देखिएगा यही आएगा जो मैंने आपको कहा है, आप देखते जाना बस। देखो ये तो हो गया आपका 1000x और राइट साइड कितनी है आपकी 1.001 001 001 001 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लेकिन ये दूसरा वाला क्या है, ये है x और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू देखो ध्यान से 0.001, ये देखो जैसी है वैसी लिखना है 001 001 अप टू इन्फिनिटी। अब आप माइनस करो, माइनस करोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, 999x, 1000x में से x गया तो 999x, और 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1, और बाकी सब तो माइनस होते होते क्या हो जाएंगे, एक जैसे ही है तो 0 हो गए, तो ये आंसर आ गया ना आपका, x का वैल्यू 1999, ये आपका आंसर है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ ताकि आप बहुत होशियार बन जाओ, और एक बार आपने देख लिया तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए और आगे बढ़ा देना इसको, ताकि उनको भी ट्रिक समझ में आ जाए और उनसे कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास लिखा है, मान लीजिए लिखा है 12.4506 बार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया, तो इसको लेना है आपको, ये एक एग्जांपल है। और ट्रिक कैसे लगाओगे, तो आप ऐसा लिखना 12.4 प्लस, एक डेसिमल सरक गया इधर तो यहाँ जाएगा 0.0, ये यहाँ तक का ले लिया तो इसमें 0 आ जाएगा इसकी जगह 506, जिसके ऊपर बार है उसके ऊपर बार रहना, यहाँ पे हमेशा 0 रखना है, याद रखना है आप, तभी वो ट्रिक लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 506, इसके लिए 3 9 9 और 1 इसके लिए 0, और ये आपका 12.4 है तो पॉइंट हटा के 1 2 4 अपॉन क्या कर दे 10, फिर इन दोनों को आप ऐड कर देना, आपका आंसर आएगा। मैं ट्रिक बोल दूं अब आपको आखिरी में, 0.A बार है तो आंसर होगा a बाय नाइन, 0.AB बार होगा तो
ए बी बाय 99, ये ट्रिक आप अपनी एक कॉपी में लिख भी लेना। ए बी सी बार होगा तो ए बी सी अपॉन 999। फिर और बताता हूँ, अगर आपके पास लिखा होगा 0.0 ए बार, तो ए के लिए आएगा ए अपॉन 9 और इस जीरो के लिए जीरो। 0.0 ए बी बार होगा तो ए बी बार है, ए बी अपॉन ए बी के लिए 99 क्योंकि पूरे पे बार है, और इस जीरो के लिए जीरो। और कभी ऐसा हुआ 0.00 ए बार, तो ए बार ए बार है तो एक के ऊपर बार है तो एक 9, और ये दो जीरो के लिए यहाँ पे दो जीरो, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 35 कितना 35 मिनट्स हो गए हैं और हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। चलिए कोई खास बात नहीं, पर एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए आप चाहें तो वीडियो को दो पार्ट में देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या लिखा हुआ है, 0.999, तो इसको आप क्या मान लो, x मान लो। इसका आंसर ट्रिक से निकालेंगे तो क्या होगा, देख लो, इसका आंसर ट्रिक से निकालोगे तो क्या होगा, 0.9 बार है, ये ट्रिक से, तो ये हो जाएगा आपका 9/9, क्योंकि एक पे ही बार है, तो 9/9 कितना आएगा, 1। और इससे भी देखो आप आंसर 1 आएगा, कैसे आएगा देखो, 0.999 अप टू इन्फिनिटी। अब कितने, देखो एक ही है ना इसमें, एक नंबर पे ही बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9. ये डेसिमल यहाँ सरक गया तो कितने 9 हो गए, पर 9 तो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स है, तो एक कम हो गया तो कोई खास बात नहीं। फिर 10x, इसको नंबर दे दो 2, इसको नंबर दे दो 1, 2 माइनस 1 करो तो 10x 9.999 अप टू इन्फिनिटी, और x हो गया 0.999 अप टू इन्फिनिटी। वीडियो पूरा देखना वरना समझने में दिक्कत आएगी। फिर माइनस किया, माइनस किया, ये 9x, 9 माइनस 0 9, और ये सारे कैंसिल हो गए तो ये 0 हो जाएगा, तो 9.0 इज 9, 9 को नीचे भेज दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/9। देखो आप आंसर 1 आया ना, तो वो बोल रहा है कि क्या आप इससे प्रेडिक्ट करते हैं, तो इससे ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जो इसकी ये वैल्यू 1 है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जो 9/99 है ये कैसी वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। जो पी वाई क्यू फॉर्म है ये कैसा फॉर्म है आपका, ये अप्रॉक्स फॉर्म है या अप्रॉक्स वैल्यू है, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, आप देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसीलिए जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये 22/7 तो ये रैशनल है, ये रैशनल है, पर पाई जो होता है वो इरैशनल होता है, इसीलिए ये उसकी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये पाई की कैसी वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4, और टाइम करीब मेरे ख्याल से 38 मिनट्स हो गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, जिसमें हमको 1 को 17 से डिवाइड करना है और देखना है कि ये डिजिट्स कब से रिपीट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसके लिए मेरे साथ बने रहें और देखते चले। इसमें बहुत लंबी प्रोसेस से होगा रिपीटेशन, क्योंकि कोई भी रैशनल फॉर्म है, कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे 1/17 रैशनल क्यों है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 1/17 इसलिए रैशनल नंबर है क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, कि नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर होना, तो 1 और 17 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो और बहुत ध्यान से करना, बहुत अच्छा कर लोगे आप। वीडियो में थोड़ा सा क्या रहता है, यूनिलेटरल प्रोग्राम होता है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ आप सुनते रहते हो, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है एक ही वीडियो में, पर आप लोग होशियार हो तो ध्यान से देखोगे समझ जाओगे।
17 से डिवाइड किया मैंने 1 को, ठीक है। तो 1 डिविजिबल है 17 से, नहीं तो फिर पहले एक डेसिमल इंट्रोड्यूस करो। डेसिमल के पहले क्या लगा सकोगे आप? एक जीरो। डेसिमल आपने लगाया तो मैंने आपको बता दिया एक जीरो बढ़ा दो आप। अब 17 को डिवाइड करता है क्या? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, अगर एक जीरो हमको और चाहिए तो 17 से इसको डिवाइड करें तो 17 फाइव जा कितना हो जाएगा? 85, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक, 15 आ गया। अब एक जीरो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा डेसिमल लगने के बाद, हर बार जब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर आएगा, जब जब सब्ट्रैक्ट होके रिमाइंडर आएगा, एक जीरो आपको बढ़ाना है। अब देखो आप 17 से इसको डिवाइड करो तो ये 8 टाइम्स गया, 136 हो गया। बड़ा प्रोसेस है, आप साथ साथ बने रहना। अब सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा आपके पास 14। एक जीरो मैंने कहा आप बढ़ा सकते हो, तो ये कितना हो गया? फिर ये 8 टाइम्स चला गया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 136। अब 136 इसमें से माइनस कर दिया आपने तो ये कितना आया आपके पास? 4 आ गया। अब 4 आ गया तो एक जीरो मैंने आपको कहा है बढ़ा दो आप, तो एक जीरो आप बढ़ा दोगे। अब 17 का आपको पढ़ना है, 17 2 जा 34। ये कितना आ गया आपके पास? 6। एक जीरो बढ़ा सकते हो, एक जीरो बढ़ा सकते हो तो 17 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 60 से ज़्यादा नहीं हो। तो 17 3 जा 51, फिर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा आपका? 9। मैं यहाँ से लिख देता हूँ 9, यहाँ लिख देता हूँ 9, जो इसका डिफरेंस आया 9। अब 9 के बाद आप क्या कर सकते हो? एक जीरो फिर बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपने इसमें से इसको माइनस किया तो एक जीरो बढ़ा सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा 17 5 जा कितना आ गया आपके पास? 85। 90 में से 85 गए तो कितना बचेगा आपके पास? 5 बचेगा। रिपीट कब मानेंगे? देखो जब रिपीट क्या होगा, जब 1 आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस तरीके से जो रिमाइंडर आए थे, क्या रिमाइंडर आया था इसमें देखो, 15 आया था, 14 आया था, 4 आया था, तब इसको मानेंगे कि रिपीट हो गया। तो अब इसमें क्या बढ़ा देंगे अपन? 0 बढ़ा दिया हमने, क्योंकि 0 तो बढ़ाना ही है माइनस हो के आया तो 17 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 50 से ज़्यादा नहीं हो। तो 17 2 जा 34। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। अब 16 आ गया तो एक जीरो आप फिर बढ़ा सकते हो तो 17 9 जा 153। बहुत बढ़ा है तो ये 7, बस साथ साथ बने रहना, 7 आ गया। तो एक जीरो तो मैंने कहा ही है कि आप बढ़ा सकते हो, तो फिर क्या हो जाएगा? 17 4 जा 68। फिर कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। फिर एक जीरो बढ़ा दो आप। अब एक जीरो बढ़ा दिया आपने, फिर 17 से डिवाइड करो तो 17 1 जा 17। अब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस करने में आपके पास? 3 आ जाएगा। 3 में क्या करोगे? एक जीरो और बढ़ा देना है तो एक जीरो और बढ़ा दिया आपने, 17, ये 30 कर दिया इसको। फिर 17 से डिवाइड करोगे तो आप क्या आ जाएगा आपके पास? 17 आ जाएगा। फिर कितना आएगा अपने पास? 130 आएगा। देखो 113 आएगा और 13 में एक जीरो बढ़ा देंगे 130। आप देख लो 130 पहले, 13 कहीं आया है क्या? 13 आया है क्या कहीं पे? नहीं, 13 कहीं भी नहीं आया, तो 13 आ गया, जीरो बढ़ा दिया। 17 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 119। फिर कितना आ गया आपके पास? 11 आ गया। 11 आ गया तो फिर एक जीरो बढ़ा सकते हैं आप, तो 17 6 जा 102।
फिर इससे माइनस किया आपने तो 8 आ गया, 8 भी अभी कहीं नहीं आया था रिमाइंडर में, तो फिर एक जीरो और बढ़ा दो, 17 4 जा 68, फिर कितना हो गया आपके पास 12। आप देखो 12 कहीं आया था क्या, 12 कहीं अभी नहीं आया था, तो अभी और डिवाइड करना है, तो एक जीरो और बढ़ा दो तो ये आ जाएगा 17 7 जा, तो ये इसको अलग कर देता हूँ, इसके आगे का नंबर है 7, तो ये आ गया आपके पास 11। क्या आ गया नंबर आपके पास, ओ सॉरी ये आया आपके पास 1 0 1। तो 1 से अब आप समझ लो कि अब रिपीट होना चालू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 के बाद क्या इंट्रोड्यूस करेंगे हम, 1 के बाद 0 तो आ ही जाएगा अपने पास ऑटोमेटिकली, अब डिवाइड नहीं होगा तो फिर नया एक 0 और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे ही 0 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर ये नंबर आपका यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर रुक जाएं, ये यहाँ पर रुक जाएं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लग जाएगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो आपका आंसर मैं ये रब करके लिख देता हूँ, तो आपका आंसर इस तरीके का हो जाएगा। ऐसे 1/7 में आप करके देखना और फिर मुझको व्हाट्सअप करना कि क्या आया 0.05882359411764 7 और इसके ऊपर बार, फिर इसके बाद इसके जैसा, फिर इसके बाद इसके जैसा, फिर इसके बाद इसके जैसा, और आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, 46 मिनट्स के करीब हो गए। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं देखें, आपकी थोड़े से ही क्वेश्चन बने बचे हुए हैं, तो आप थोड़ी सी देर और साथ बना लें, क्योंकि आपका अब ज़्यादा देर का काम नहीं है, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में ही हम ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कि क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगी। जो मैं आपको शुरू में बात बोल रहा था वही बात फिर से आ गई कि क्यू को क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, तो क्यू कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो टर्मिनेट कर दे। क्या लिखा गया आपके पास, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो, नंबर्स किस फॉर्म में हो, आपके नंबर्स किस फॉर्म में हो, क्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में होना, तो क्यू के जो फैक्टर्स है, क्यू के फैक्टर्स जो हैं, ध्यान से सुने आप, अगर क्यू क्या है आपका 2 है 4 है 6 2 है 4 है 8 है, ये इस टाइप का है 2 4 8 16 5 है 10 है, तो ये तो टर्मिनेट कर देंगे आपको, और इनके कोई फैक्टर हैं तो भी टर्मिनेट कर देंगे, फिर से समझो। लेकिन अगर क्यू कैसा हो गया, क्यू के फैक्टर में ये आ रहा हो, कौन आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, ऐसा प्राइम आ रहा हो, कैसा प्राइम आ रहा हो, ये इस तरीके का प्राइम आ रहा हो जो ऊपर से कैंसिल नहीं हो रहा है, ऊपर से कैंसिल नहीं हो रहा है, क्लियर। तो क्यू कैसा नंबर हो, क्यू कैसा नंबर हो, प्राइम हो, प्राइम हो, एक्सेप्ट 2। अगर क्यू प्राइम है और 2 नहीं है, क्यू कैसा है, प्राइम है और 2 नहीं है, क्योंकि 2 भी कैसा नंबर है, 2 कैसा नंबर है, 2 भी कैसा नंबर है, 2 भी एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, पर 2 क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। तो ये जो नंबर्स हैं प्राइम एक्सेप्ट 2, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कैसे देंगे आपको नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग देंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग देंगे, ये वाले इनके अलावा क्यू क्या हो जो टर्मिनेट कर दे, तो क्यू क्या होना चाहिए, क्यू इंटीजर होना चाहिए, कैसा इंटीजर होना चाहिए,
इंटीजर नॉट जीरो, जीरो नहीं है, वो तो क्वेश्चन में भी दिया है क्यों नॉट जीरो, और क्यों नहीं क्या नहीं होना चाहिए, क्यों नॉट अ प्राइम, क्यों एक प्राइम नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट टू, अगर टू होगा तो वो टर्मिनेट कर देगा, क्यों क्या नहीं होना चाहिए, क्यों नॉट, क्यों मतलब ये नहीं होना चाहिए फैक्टर्स ऑफ क्यू, शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, प्राइम एक्सेप्ट टू प्राइम, जो उसके फैक्टर्स हैं, शुड नॉट हैव प्राइम एक्सेप्ट टू, अगर उसके फैक्टर्स में, उसके फैक्टर्स में अगर आपको प्राइम नंबर आ गया, थ्री आ गया, सेवन आ गया, नाइन आ गया, अच्छा टू एंड फाइव, फाइव भी प्राइम है, तो जो आपका है प्राइम एक्सेप्ट टू एंड फाइव, तो क्यू के जो फैक्टर्स होंगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास ये लिखा हुआ है कि यहां पे लिखा है, आपने लिख दिया फाइव लिख दिया, और यहां पे क्या लिख दिया सेवन सिक्स लिख दिया, तो जो सिक्स के फैक्टर्स हैं, सिक्स के फैक्टर्स कौन से होंगे, सिक्स के फैक्टर्स टू इंटू थ्री होंगे, तो इसकी चिंता मत करो, पर आप इसकी चिंता करो, ये कैसा है, ये कैसा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, और कैसा प्राइम है, ऐसा प्राइम है जो इसको, जो इसको कैसा बनाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनाएगा पर रिपीटिंग बना देगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पर अपने को अगर टर्मिनेट करने वाले चाहिए तो टर्मिनेट में क्यू का फैक्टर क्या नहीं होना चाहिए, फैक्टर्स ऑफ क्यू शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, व्हाट शुड नॉट हैव, प्राइम, प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट, एनओएस मीन्स नंबर्स, एक्सेप्ट टू एंड फाइव, अगर प्राइम उसके फैक्टर टू और फाइव हैं तो टर्मिनेट कर देगा, लेकिन टू और के अलावा, टू फाइव के अलावा भी हैं, थ्री है, सेवन है, उसके साथ में इनटू में, तो वो उसको टर्मिनेट नहीं करेगा, जैसे अभी अपन ने देखा वन अपॉन फोर्टीन का, तो वन अपॉन टू इनटू क्या था, सेवन था, टू तो टर्मिनेट कर देता अगर केवल टू होता तो, पर ये सेवन होने के कारण क्या नहीं कर पाया, इसको टर्मिनेट नहीं कर पाया, तो अगर आपको टर्मिनेटिंग चाहिए तो टर्मिनेटिंग के लिए क्यों क्या होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, फैक्टर्स ऑफ क्यू शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव एनी नंबर, एनी फैक्टर, एनी फैक्टर एज अ प्राइम नंबर, मैं एक अच्छे से लिख देता हूं इसका आंसर, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको लिखने में अच्छा लगेगा, क्या होना चाहिए, P by Q फॉर्म होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए, P और Q के अंदर कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वन, इसका मतलब है P एंड Q शुड नॉट हैव एनी फैक्टर कॉमन अदर देन वन, फिर क्या होना चाहिए, Q को क्या नहीं होना चाहिए, Q में क्या नहीं होना चाहिए, तो Q में नहीं होना चाहिए फैक्टर्स ऑफ Q शुड नॉट हैव एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स एनी ऑफ इट्स फैक्टर फैक्टर्स अ प्राइम नंबर नंबर अदर देन टू और फाइव, ठीक है, टू एंड फाइव भी लिख सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर दो और पांच के अलावा प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको 14 का दे दिया, 28 का ले लो आप, 28 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू टू इंटू सेवन,
तो ये आ गया आपका सेवन, सिक्स है अपॉन में, फाइव बाय सिक्स है, सेवन बाय थ्री है, नाइन बाय फाइव है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है। ये कैसा नंबर होगा? ये कैसा नंबर होगा? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि सिक्स में क्या है? थ्री है, पर रिपीटिंग तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें अगर ले लो आप, तो इसमें भी कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों सिक्स, राइट। सेवेंथ और एट बहुत सरल है, छोटे से हैं। विद इन एन आवर वी विल बी फिनिशिंग दिस टॉपिक, दिस सॉरी एक्सरसाइज, सो बी विद मी। और थोड़ा सा बियर करें आप, दो क्लास में देख लें, और अपने दोस्तों को भी सलाह दे दें कि दे कैन वॉच द वीडियो इन टू पार्ट्स। फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। एट्थ क्वेश्चन, 5/7 और 9/11। तो 5/7 को आप वैल्यू देख लें, आपकी 5/7 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आती है, तो अप्रॉक्स वैल्यू के लिए आप इसको 5 को डिवाइड कर देंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगी, कितने सॉरी 6 पॉइंट नहीं, पॉइंट कितना है, 5/7 है ना आपका, तो 5/7 से आपने इसको डिवाइड किया तो अभी जा नहीं रहा है, तो पॉइंट बढ़ा दोगे आप और यहाँ जीरो इंट्रोड्यूस करोगे, 7 6 जा तो ये आ जाएगा आपका 42। 8 एक और देख लो आप, जीरो आएगा आपका, नहीं सॉरी 7 7 जा 40 आएगा ना, 7 7 जा 49, तो 0.7 समथिंग आएगा आपका, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 1, तो ये यहाँ पे आ गया आपके पास 7, एक बार 3, और 3 में आपने फिर एक जीरो बढ़ा दिया तो 428 आ गया, तो ये 0.714 के अप्रॉक्स है। कितना है अप्रॉक्स? ये अप्रॉक्स है 0.714। और 9/11 भी आप देख लो कि 9/11 कितना आएगा, तो 9/11 के लिए 9 को डिवाइड कर दो आप 11 से, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 11 8 जा 88, तो इतना ही काफ़ी है कि 0.8 समथिंग है ना। एक और लिख देता हूँ भले, 0.81 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्स वैल्यू 0.81। तो इसके और इसके बीच में आपको दो नंबर्स लिखने हैं, इसके और इसके बीच में आपको दो नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ वाला यहाँ लिख देता हूँ, इसके कितने 3 लिखना है, 2 लिखना है सॉरी, राइट 3 है, तो एक और लिखना पड़ेगा, एक यहाँ लिख दूंगा और एक को यहाँ लिख दूंगा, बहुत सिंपल है, कोई चिंता की बात नहीं, आप बिल्कुल आराम से, इनफाइनाइटली मैं नहीं लिख सकते, आपसे तो यहाँ केवल आपसे 3 ही पूछे उन्होंने, तो आप 3 पूछे हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है 0.714, और ये यहाँ पे लिखा है 0.81 लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख दो, कोई भी 3 लिखना है आपको, तो पहला वाला लिख रहा हूँ मैं 0.71, तो 71 से ज़्यादा होता है 72, फिर क्या लिख दें 7201 001, फिर क्या लिख दें 0001 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, कभी रिपीट होगा क्या? पहले बार 01 है, 001 है, फिर 0001 है, फिर 0001 है, फिर 0001 है, इसमें क्या लिख दें आप? इसमें लिख दें 0.7302 लिख दो, 02, फिर क्या लिख दो आप 001, ये बहुत अच्छा आइडिया है, 00000, इस तरीके से लिखते जाएं, आप जितने चाहें उतने लिख दें, यहाँ पे और कुछ भी लिख दें, यहाँ पे लिख दें आप 0.73 लिखा है, यहाँ पे 8 तक स्कोप है, तो 75 लिख सकते हो आप, 7501 की जगह 02 लिख दो, 002 लिख दो, 00 के बाद 000 लिख दो, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ, तो ये तीनों नंबर्स हमने लिख दिए, बस अब हम आखिरी मुकाम पे पहुँच गए हैं इस तरीके से। और आखिरी क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, और हमने इतने अच्छे ढंग से कर लिया है कि आपको
एक बार अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस पूरे चैप्टर का थ्योरी सहित आ जाएगा। तो मैंने आपको याद हो कि पहले बताया था स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर ये इरेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, याद रखना स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम। तो पहला सवाल है उसमें रूट ऑफ 23, हमको रैशनल और इरेशनल आइडेंटिफाई करना है, ये तो इरेशनल हो गया आपका। रूट 225, रूट 225 ये तो आपको मालूम है 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये तो रैशनल हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है 23। अब आपका तीसरा नंबर है 0.3796, ये कैसा हो गया आपका, रैशनल हो गया। फोर्थ वाला देखो, आपका नंबर है 7.478, फिर 478 है, तो फिर 478 रिपीट हो गया, तो ये भी कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, रैशनल होगा। इरेशनल होता तो फिर वो रिपीट नहीं होता, इरेशनल होता तो वो रिपीट नहीं होता। तो ये वाला आपको जो अगला एग्जांपल है फिफ्थ वाला, वो इरेशनल का ही है। तो फिफ्थ का इरेशनल कैसे है कि 1.101001, फिर वही मैंने जो बात बताई 0001, फिर 0001, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो ये कैसा नंबर है आपका, ये इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3, और अगली एक्सरसाइज और अगले कंसेप्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, और पिछली दो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के लिए आप पिछला वीडियो देखिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हो सके तो दो पार्ट में वीडियो देखें। तो जब भी आप अपने दोस्त को सजेस्ट करें तो बोल दें कि वीडियो थोड़ा लंबा है पर कंसेप्चुअल है, 100% सारे कंसेप्ट सर ने क्लियर किए हैं, तो आप वीडियो दो पार्ट में देख सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट माई डियर।